मैं आज आप लोगों के साथ एक ट्रेडिशनल पीठा रेसिपी शेयर करूंगी जो उड़ीसा का एक फेमस पीठा रेसिपी है। इसका नाम है पोड़ो पीठा, जिसे हम चावल, गुड़ और नारियल के साथ ही बनाएंगे और थोड़ा सा घी देके, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप आटा, मैदा, सूजी का केक खा के बोर हो चुके हो तो एक बार इस ट्रेडिशनल राइस केक यानी के चावल का केक एक बार जरूर ट्राई कीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जीता और हमारे चैनल सिजलिंग उड़ीसा पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही ट्रेडिशनल रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग पोड़ो पीठा बनाएंगे। पोड़ो पीठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इतनी सारी सामग्री की यूज़ करूँगी। पोड़ो पीठा का मेन इंग्रेडिएंट्स है चावल, तो मैं यहाँ पर 300 ग्राम चावल को 7 से 8 घंटे तक अच्छे से भिगा के रखी हूँ। चावल अच्छे से भीग चुका है और चावल के साथ हम यूज़ करेंगे गुड़। आप चाहे तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 300 ग्राम चावल के साथ हम यहाँ पर 100 ग्राम गुड़ यूज़ करेंगे, 1 कप नारियल के पीसेस और कुछ चेरीज, छोटी इलायची और काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून देसी घी और साथ में नमक भी यूज़ करेंगे। ये इस चावल को हमें अच्छे से पेस्ट कर देना है। हम इसे मिक्सी जार में अच्छे से पेस्ट कर चुके हैं। ये देखिए, अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस में कढ़ाई बिठाएंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद अब इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी हम पहले से इसलिए डालें ताकि जो हम इसका डो बनाएंगे वो ना चिपके। अब इसमें डालेंगे लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें नारियल का जो पीसेस लेते हैं डाल देंगे और छोटी इलायची और काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे और थोड़ी सी नमक डालेंगे। अब इसे अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देते हैं। नारियल का पीसेस बहुत अच्छा लगता है पोड़ो पीठा में। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से उबल रहा है। अब इसमें जो चावल का पेस्ट लिए थे धीरे धीरे करके डालेंगे। और नीचे से लग ना जाए तो अच्छे से चलाएंगे। हमें एक डोब बनाना है तो ऐसे ही धीरे धीरे चला के एक सॉफ्ट सा डोब बनाएंगे। ये देखिए, डोब का कंसिस्टेंसी ऐसे ही होना चाहिए। हम इसे उड़िया में जॉन्तनी बोलते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हमको ऐसे ही कुकर में सेट करना है, तो एक कुकर में थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल अच्छे से ग्रीस होने के बाद इसमें 2 पत्ते डालेंगे। आप चाहे तो केले के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो। पत्ते डालने से थोड़ा सा ट्रेडिशनल फीलिंग आता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कुकर में ज़्यादा 2 चम्मच ऐसे घी या तेल देके भी कर सकते हो। और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से ग्रीस करके जो चावल का पेस्ट बना के रखे हैं डालेंगे। अच्छे से सेट कर लेना है हमें। एक चम्मच को थोड़ा सा गीला करके ऐसे ही सेट कर लेंगे। ये गर्म रहता है तो आप ध्यान से कीजिए।
अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो नारियल के पीसेस लिए थे ऊपर से भी ऐसे ही डाल देंगे और चेरी से सजाएंगे। इसमें काजू, किशमिश, कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हो। और ऊपर थोड़ा सा देसी घी भी डाल देंगे ताकि जो हमारा ये केक है वो ज़्यादा टाइम तक रहे, ख़राब ना हो। अब कुकर का लिड क्लोज कर देंगे और ऊपर जो व्हिसल है उसे निकाल देंगे और इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए 20 मिनट हो चुका है। इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं चाकू डाल के। हाँ, ये परफेक्ट है, चाकू अच्छे से निकल आया। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे गरम गरम मत निकालें नहीं तो ये टूट जाएगा। ठंडा होने के बाद ये धीरे धीरे किनारे ऐसे छोड़ देता है। प्लेट में केयरफुली निकालने के बाद अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आप इसे कोई भी शेप में काट सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट भी है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। एकदम परफेक्ट पोड़ो पिठा। अगर आपको ये रेसिपी सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक ट्रेडिशनल रेसिपी बहुत लोगों के पास जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हो, सबसे पहले हमारे न्यू वीडियोस को देखने के लिए पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। अब मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।